आइए मालगाड़ी में ब्रेक बाइंडिंग होने पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी मालगाड़ी में ब्रेक बाइंडिंग होता है तो व्हील जाम हो जाते हैं, टक टक की आवाज आती है, ब्रेक सिलेंडर जो होते हैं पिस्टन वो बाहर निकल आते हैं, चक्का गर्म हो जाता है, यानी ब्रेक बाइंडिंग जब हो जाती है तो ऐसे स्थिति में ब्रेक बाइंडिंग होने पर रिलीज कैसे करते हैं? तो रिलीज करने के कई तरीके हैं, रिलीज नहीं होता है तो आइसोलेट करने के भी कई तरीके हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम आके देखेंगे हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक जो है ऑफ स्थिति में होना चाहिए, ऑफ स्थिति में देखेंगे, अगर नहीं है तो ऑफ स्थिति में कर लेंगे तो रिलीज हो जाएगा, पता चला नहीं ये सही कंडीशन में है। ऐसे स्थिति में डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है, उसमें देखिए उसमें क्विक रिलीज वाल्व लीवर लगा हुआ है, तो इसको खींचेंगे या दबाएंगे तो इससे 90% लोड इसी से रिलीज हो जाता है। इसको खींचने से या दबाने से ये रिलीज हो जाता है। अगर इससे रिलीज नहीं हो पाता है ऐसे कंडीशन में, इसको रिलीज करते समय तब तक खींचे रहेंगे जब तक कि ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन अंदर न चला जाए। इस ब्रेक सिलेंडर के पिस्टन को अंदर जाने के बाद ही इसको छोड़ना है, यानी उसके बाद चक्के में जो टक टक की आवाज़ आ रही थी, टन टन की आवाज़ आएगी और ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन जो बाहर निकला हुआ था वो अंदर चला जाएगा। लेकिन पता चलता है इससे भी रिलीज नहीं हो पाता है लोड, ऐसे स्थिति में ये आर चार्जर यानी आइसोलेटिंग हैंडल कहा जाता है, डीवी में लगा आइसोलेटिंग हैंडल, इसको ऊपर उठा देते हैं, यानी जो पहले वर्टिकल था अब इसको पैरेलल करके इसको तार से ऊपर बांध देंगे ताकि नीचा ना हो जाए अपने आप या कोई नीचा ना कर दे, तार से बांध देंगे। उसके बाद डीवी में लगा ये लीवर जो है इसको खींचेंगे या दबाएंगे तो देखेंगे कि ये पूर्णतः लोड रिलीज हो गया और आइसोलेट भी हो गया, यानी अब इसमें ब्रेकिंग नहीं होगी और पूर्णतः रिलीज हो गया है और आइसोलेट भी हो गया है। पता चलता है कभी कभी इससे भी रिलीज नहीं हो पा रहा है, आइसोलेट नहीं हो पा रहा है, तो ये देखिए बीच में स्लैग एडजस्टर है, ये स्लैग एडजस्टर के दोनों तरफ ये शॉर्ट पुल रॉड लगे हुए हैं, ये स्लैग एडजस्टर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज दिखाइए कैसे घुमाते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से ये लोड पूर्णतः रिलीज हो जाएगा। कभी कभी इससे भी लोड रिलीज नहीं होता है तो इसमें देखिएगा शॉर्ट पुल रॉड में आगे पिन लगा हुआ है, ऐसे दोनों तरफ पिन लगा हुआ रहता है, उस पिन को निकाल देंगे तो ये आइसोलेट हो जाएगा। अगर उससे भी आइसोलेट नहीं होता है, देखिए वो पिन वहां पर दिखाइए, पिन कहां पर है नजदीक से दिखाइए, ये शॉर्ट पुल रॉड में आगे ये टेस बार है, टेस बार में नीचे रिंगिंग रॉड लगा हुआ है, तो उसी पिन को निकाल देंगे, ये दोनों तरफ लगा हुआ है, इसी एक पिन को निकाल देने से ये आइसोलेट हो जाएगा। अगर उस स्लैग एडजस्टर में शॉर्ट पुल रॉड लगा हुआ था, शॉर्ट पुल रॉड में टेस बार में ये ब्रेक रिंगिंग लगा हुआ था और ब्रेक रिंगिंग इन पुल रॉड से लगा हुआ है, यही है इन पुल रॉड, ये दोनों तरफ रहता है। इन पुल रॉड में देखिए कई सारे होल बने हुए हैं, ये एक होल में ये पिन लगा हुआ है, ये पिन को निकाल दिया जाएगा, इसको ऐसे निकाल लेंगे, इसको ऐसे ऊपर निकाल दिया जाएगा और ये शिफ्ट करके किसी और होल में इधर लगा देंगे। पहले तो इसको आगे पुश कर देंगे, लूज हो जाएगा, पुश करने के बाद ये अगले पिन में इसमें होल में पिन को लगा देंगे, ये दोनों तरफ है, इस तरह किसी एक तरफ कर देने से ये लोड रिलीज हो जाएगा, यानी इन पुल रॉड में जो पिन लगा हुआ है उस ब्रेक बाइंडिंग की स्थिति में किसी भी माध्यम से रिलीज या आइसोलेट किया जा सकता है। जैसे कि ये ब्रेक सिलेंडर है, इसमें लीवर लगा हुआ है, इसमें देखिए ये पिन लगा हुआ है, इसको निकालकर ये पिन को निकाल दिया जाएगा तो ये लोड पूर्णतः आइसोलेट हो जाएंगे। ये तो साधारणतः मालगाड़ी में जिस तरह आपको बताया देखिए किस तरीके से रिलीज हो सकते हैं, आइसोलेट हो सकते हैं। बॉक्स एंड एसएल में एक और तरीका होता है, ब्रेक पाइप होते हैं उसके दोनों तरफ आइसोलेटिंग कॉक लगा रहता है, उसको भी घुमा देने से ये लोड पूर्णतः आइसोलेट हो जाते हैं और रिलीज भी हो जाते हैं, फिर उसमें